बेटा ये जो बात हम कह रहे थे बेटा, ये वाला टॉपिक जब हम पढ़ा रहे थे, ये जो तुम लोग को अभी जो पढ़ाया, इसमें बात आएगी ये वाला काम हम कितना धीरे धीरे करें या जल्दी जल्दी करें। काम को धीरे धीरे करें और काम को जल्दी जल्दी करें, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? एक होता है कि इस टॉपिक में आएगा रिवर्सिबल और एक ई रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और ई रिवर्सिबल प्रोसेस, ये तो प्रोसेस और कंडीशन। किस कंडीशन में इस काम को करेंगे, रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल? देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। घर में सबके पास गैस सिलेंडर तो होता है, गैस सिलेंडर मतलब जो किचन में यूज होती है, किचन में जो गैस सिलेंडर यूज होता है। एक सिलेंडर हम लोग लेके आते हैं और उसको बार बार ऑन करते ऑफ करते, बार बार ऑन करते ऑफ करते, वो जो गैस है कितना दिन चलता है बेटा? हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज चलता है बेटा? उसको खत्म तो करते हैं कितना दिन में? 2 मंथ्स, 1 मंथ, जो भी है। तुम मान लो ऐसे काम करोगे, हाँ ठीक है 1 मंथ है, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मतलब हाफ एन आवर में कंप्लीट कर दूंगा, आधा घंटे में खत्म कर दूंगा। कैसे? देखो गैस सिलेंडर में जो उसके बल्ब है एंड ऑल है, सो खोल के निकाल दे तो आधा घंटे में कि 20 मिनट में वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और उसमें एक बहुत बड़ी एक चीज होगी, ये जो गैस सिलेंडर है ना, मैं तो डायग्राम हमारा अच्छा नहीं बनता, तो इसके अंदर जो ऐसे करके जो नोजल होती है ना, ये जब आधा घंटे में सारे निकल जाएगा ना, ये वाला नोजल जो है वेरी वेरी कूल हो जाएंगे, कोल्ड कंडीशन, इसका टेम्परेचर इसमें डॉटेड डॉटेड फ्रीज होने लगेगा, ये बहुत ठंडा हो जाएगा। यस और नो? इसको जल्दी खोल दे, सारे गैस निकल जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएगा। कोल्ड होगा कि नहीं होगा? अभी बातों के व्हाई क्यों होगा वो भाई, गैस खुद ही एक्सपांड हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, तभी उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। किसी ने उसको भर के रखा था, अभी खुद ही खुद अलग हो गया, दूर दूर चला गया, तो उसके एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया तो ठंडा पड़ गया। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो बताइए। ये बेटा कोई भी है, ये कौन सा कंपनी का सिलेंडर है? कोई भी कंपनी का नहीं है। ओके, ये चीज है। लेकिन हम लोग इस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं। कभी कभार होते कोई स्टूडेंट है, उसने गैस सिलेंडर लेके आया और हॉस्टल में रहते हैं, वो 4 महीना भी चला देते हैं, 6 महीना भी चला जाता है। क्यों? उसने 3 बार उसमें से चाय बनाते हैं, तो 6 महीना भी चल सकते, 4 महीना भी चल सकते, 1 साल भी चल सकते। ये जो प्रोसेस होगा दिस विल बी वेरी स्लो प्रोसेस और दिस इज वेरी फास्ट प्रोसेस। अभी तुमसे एक बात कहते हैं, पूछते हैं कोई बात, तुम लोग इसमें हाँ बोले थे, यस बोले थे, सर कोल्ड होगा, कूल हो जाएगा। बेटा घर में जो किचन में जो हर दिन करते हैं हम लोग, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, खाना बन गया तो ऑन, खाना खत्म हो गया तो ऑफ कर देते, क्या उसमें नोजल कूल होता है? क्या कोल्ड होता है? होता है? नहीं होता, वो नॉर्मल ही रहता है, उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है। ओके, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो प्रोसेस को वेरी वेरी स्लो वे में करते हैं। एक स्टेप था यहां से यहां तक जाने का, एक में आ गया। किसी ने इसमें मान लो 1 लाख स्टेप में कर रहा है,
10,000 स्टेप में आ रहा है, धीरे धीरे यहां से यहां तक आ रहा है, धीरे धीरे 10,000 स्टेप में आ रहा है। तो वेरी स्लो प्रोसेस। जब वेरी स्लो प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर फिक्स्ड है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में चेंज नहीं। फिर जब उसमें गैस भरोगे तब तो होगा, जब वो सिलेंडर में गैस भरते तब तो नोजल हीट अप हो जाती है, और जब वो बाहर चला जाएगी तो ठंडा हो जाएगी। जब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफर करते गैस, तभी भी नोजल ठंडा हो जाती है। ठीक है, केमिस्ट्री में वेरी वेरी स्लो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वेरी वेरी स्लो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और उसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? रिवर्सिबल भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट भी है, तो क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। बेटा ये वर्ड कहीं लिखा है? बेटा बुक में, बुक में लिखा है कहीं पेज में? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा है कहीं? 159 पेज में, 159 पेज बोल्ड वाला किधर है भैया? 159, ये तो 59 है, किधर लिखा बेटा? नहीं है, नहीं है, साइड में। ठीक है, देख लीजिए।